नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान से संबंधित। अपने चैप्टर अभी तक 20 खत्म हो चुके हैं। 20वां चैप्टर रखा आपका जनजाति परिदृश्य। इसमें बात करने वाले हैं सांस्कृतिक परिदृश्य के बारे में। याद रखिए, एमपी से संबंधित आपके जितने भी चैप्टर खत्म होते जा रहे हैं वो सभी मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के नाम से, जो आपकी प्लेलिस्ट सूची है उसी में डाल देता हूँ। ठीक है, इसमें बात करेंगे हम लोग मध्य प्रदेश के लोक गायन, लोक नृत्य, लोक नाट्य के बारे में। ये आपके अंचल हैं, एक लोक गायन है, एक लोक नृत्य हो गए, एक लोक नाट्य हो गए। तो सबसे पहले बात करते हैं निवाड़। यहाँ के लोक गायन की बात करें तो निवाड़ी लोकगीत, संत सिंगाजी गायन, निर्गुड़िया गायन, नाथपंथी गायन, मसन्या गायन या काया खोज गायन, गरबा या गरबी या फिर गलवन, फाग गायन, कलगीतुर्रा, संजाग गीत, ये है यहाँ के लोक गायन। लोक नृत्य की बात करें तो गढ़ गौर लोक नृत्य, काठी नृत्य, फिफरिया नाच, मांडला नाच, आड़ा खड़ा नाच, डंडा नाच, ये निवाड़ के लोक नृत्य हैं। लोक नाट्य की बात करें निवाड़ के तो ये गम्मत और काठी। ठीक है, फिर अपना मालवा क्या है, मालवा। मालवा के लोक गायन की बात करें हम लोग, इसमें मालवी लोकगीत, भरथरी गायन, भोपे गायन, निर्गुड़ी भजन गायन, सजा संजा गीत गायन, हीर गायन, बरसाती वार्ता, ये हैं मालवा के लोक गायन। मालवा के लोक नृत्य की बात करें हम लोग तो मटकी नाच, आड़ा खाड़ा, राजवाड़ी नाच, गरबा, मूलतः गुजराती नाच। और यहाँ के लोक नाट्य की बात करें तो माच, राजकीय नाट्य भी है मध्य प्रदेश का। ठीक है, फिर आपका बुंदेलखंड। यहाँ के लोक गायन की बात करें तो बुंदेली लोकगीत, आला गायन, भोला गीत, बम्पुलिया फाग गायन, बैरायटा गायन, देवारी गायन, जगदेव का फुहारा। और यहाँ के लोक नृत्य की बात करें तो राई नृत्य, सेरा नृत्य, कानड़ा नृत्य, बधाई नृत्य, ढिमरियाई नृत्य, अखाड़ा नृत्य और नौटंकी। मूलतः नौटंकी आपकी उत्तर प्रदेश की है। ठीक है, फिर लोक नाट्य की बात करें बुंदेलखंड में तो स्वांग और रागनी, ये लोक नाट्य हैं बुंदेलखंड की। फिर बात करते हैं बघेलखंड। तो आपके बघेलखंड में लोक गायन है बघेली लोकगीत, बसदेवा गायन, विरहा गायन, विदेशिया गायन, फाग गायन। और आपके लोक नाट्य हैं, लोक नृत्य हैं बुंदेलखंड की विरहा अथवा अहिर्याई नृत्य, राई नृत्य, केहरा नृत्य, दादन नृत्य, कालसा नृत्य, केमाली नृत्य। ठीक है, यही आपके बघेलखंड के लोक नृत्य। अब बघेलखंड के नाट्य की बात करें तो मनसुखा, हिंगोला, जिंदवा, लकड़बगा, रास और छाहुर, ये हैं बघेलखंड के लोक नाट्य। अब बात करते हैं लोक गायन, क्या कहते हैं लोक गायन के बारे में। ये लोक गायन हो गए आपके, ये संबद्ध क्षेत्र या आदिवासी क्षेत्र जहाँ से संबंधित हैं, इनके बारे में विशेष तत्व और इसमें प्रयुक्त वाद्य यंत्र। ठीक है, वाद्य यंत्र। तो सबसे पहले बात करते हैं कलगीतुर्रा, ये आपका निर्माण का मुख्य लोक गायन है। इसमें शिव पार्वती को समर्पित है। इसमें कलगी एवं तुर्रा नामक नाम के दो अखाड़े होते हैं, अखाड़े। इसमें वाद्य यंत्र होता है चंग। ठीक है, प्यो। फिर आपका फाग, ये भी आपका निवाड़ से संबंधित है। होली के अवसर पर कृष्ण एवं राधा पर केंद्रित है। इसमें वाद्य यंत्र होता है डफ। फिर आपका गरबा, ये निवाड़ से संबंधित है। इसकी तीन शैलियाँ हैं, गरबा, गरबी, गलबन। इसमें वाद्य यंत्र शामिल है ताल की थाप, मसन्या या काया खोज, ये निवाड़ का है। पुरुष परब मृत्यु गीत है। इसमें प्रयोग वाद्य यंत्र हैं झांग, मृदंग एवं एकतारा। निर्गुड़िया नारदीय, ये भी निवाड़ का है। निर्गुण ब्रह्मा की उपासना, एकतारा खंडता। नाथपंथी गायन, ये निवाड़ का है।
नाथ जोगी प्रयाग गोरख कबीर अथवा भरथरी गाथा गाते हैं। ठीक है, फिर भरथरी ये मालवा का है। नाथ संप्रदाय के लोग चिंकारा भर भरथरी कथा गाते हैं। चिंकारा इसका वाद्य यंत्र है। संज्ञा गीत ये मालवा का है। मूलतः मालवा की किशोरियों का पारंपरिक गायन पित्त पक्ष के समय, इसमें कोई वाद्य यंत्र शामिल नहीं है। तेजाजी कथा गायन ये आपका मालवा का है। विरोचित कार्यों का बखान इसमें। हीड गायन ये भी मालवा का है। सेवन के महीने में गोवर्धन पूजा के समय अहीरों के अवदान परब लोखा गायन ख्यान है। ठीक, ये थे। आगे बात करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, वर्ष अगला है आपका बरसाती वार्ता, ये आपका मालवा का है। ऋतु कथा वर्षा ऋतु के समय गद्य एवं पद्य दोनों में। लावनी आपका ये लावा मालवा और निवाड़ का है। निर्गुड़ी दार्शनिक गीत है, घरेलू गीत, ये आपका मुड़िया सिंह माड़े भील से संबंधित है। युवक युवतियों का गीत है। चौकड़िया भाग ये बुंदेलखंड का है आपका। ईसुरी की रचनाओं का गायन होली के अवसर पर गायन होता है। मृदंग और मजीरा इसमें वाद्य यंत्र है। आला गायन बुंदेलखंड का है, वीररस विधान है। आला उदल कहानियों का गायन प्रया वर्षों वर्षा ऋतु में गाया जाता है ढोलक और नगड़िया के साथ। भोला गीत अब बम्बुलिया लमटेरा गीत ये भी बुंदेलखंड का है आपका। वाचिका परंपरा का मधुर गीत है, नर्मदा स्नान जाते समय किया जाता है। विराटा ये बुंदेलखंड का है। कथा गायन शैली देवारी गायन ये भी आपका बुंदेलखंड का है। दोहा गायन शैली है, इसमें ढोलक नगाड़ा बांसुरी प्रयोग किया जाता है। जगदेव का फुवारा ये भी बुंदेलखंड का है, भजन शैली का गायन होता है इसमें। बसदेवा गायन हर बोले गायन ये बुंदेलखंड का है आपका। कथा और गाथाओं का गायन श्रवण कुमार की कथाओं का गायन होता है, सारंगी इसमें वाद्य यंत्र है। फिर है आपका बसदेवा गायन या हर बोले बुंदेलखंड का है। कथाओं और गाथाओं का गायन श्रवण कुमार की कथाओं से संबंधित देख लिया। विरह गायन बुंदेलखंड का है। सवाल जवाब शैली में गायन होता है, श्रृंगार परब विरह गृह गीत है, चुटकी पेजर और सारंगी इसमें वाद्य यंत्र हैं। फाग गायन ये आपका बुंदेलखंड में भी और बुंदेलखंड में दोनों जगह का है। नगाड़ों पर फाग नगाड़ा इसमें प्रयोग होता है। हरदौल की मनोती बुंदेलखंड और बुंदेलखंड दोनों जगह मानता है, यह वीरता का गीत है। विदेशिया गायन ये बुंदेलखंड का है आपका। जंगल या सनसना जगह पर गाया जाता है। गडरिया कोटवार एवं तेली जाति के लोग इस गायन में विशेष दक्ष होते हैं। फिर है आपका लोकनृत्य, ये लोकनृत्य हो गए आपके, अंचल हो गए, अवसर हो गए और विशेष तथ्य के बारे में। राई तो राई आपका बुंदेलखंड अंचल में मनाए क्या प्रमुख लोकनृत्य है। इस बच्चे के जन्म के समय मुंडन या सगाई विवाह या मनोती पूर्ण होने पर राई नृत्य किया जाता है। इसमें विशेष है इसके लिए मृदंग वाद्यंत्र सौर्य एवं श्रृंगार दोनों मनोवृत्तियों का समावेशन है। इसमें नृत्यकी को वेडनी कहा जाता है। इसमें नृत्य के दौरान स्वांग गीत प्रमुख कलाकार श्री प्रकाश यादव राम साहेब पांडे हैं इसके। बधाई ये भी आपका बुंदेलखंड का है। जन्म विवाह तीज त्यौहार मनोती पूर्ण होने पर बधाई लोक नृत्य होता है, स्त्री पुरुष दोनों इसमें नृत्य करते हैं। जवारा ये भी आपका बुंदेलखंड का है। समृद्धि के उत्सव के रूप में चैत एवं कुवार मास में नवदुर्गा के अवसर पर नृत्य किया जाता है। ढेमरियाई नृत्य ये भी आपका बुंदेलखंड। शादी विवाह नवदुर्गा के दुर्गा के अवसर पर। ठीक है, फिर आपका लोक नृत्य है अगला जवारा, देख ही लिया, बधाई हो गया आपका। डिमराई बुंदेलखंड शादी विवाह नवदुर्गा के अवसर पर हो गए। काननरा ये आपका बुंदेलखंड में जन्म विवाह के अवसर पर। धोबी समाज द्वारा पारिवारिक नृत्य इसमें
सबसे पहले सरस्वती एवं गजानन भगवान की गाथा गाई जाती है, ठीक। फिर है सहरा, ये भी आपका बुंदेलखंड का ही लोक नृत्य, गणगौर पर श्रवण मास में कजली तीज के अवसर पर होता है। डांडिया से मिलता जुलता कृष्ण लीला से संबंधित है। रास नृत्य, ये भी आपका बुंदेलखंड, जन्माष्टमी के समर्पण लोक नृत्य होता है। स्त्री परक नृत्य, कलश बुंदेलखंड, संस्कार परक है, नट जाति में पिछले थे। रावला ये बुंदेलखंड में संस्कार परक है, जातीय नृत्य। बाबा नृत्य बुंदेलखंड का है, विवाह के अवसर पर होता है, स्त्री परक है। विधया या अहिराई ये बघेलखंड का है, विवाह एवं दीपावली पर होता है। स्त्री पुरुष सवाल जवाब करते हैं, अहिर जाति द्वारा किया जाता है। केहरा ये बघेलखंड का है आपका। स्त्री पुरुष का संयुक्त नृत्य बांसुरी विधान, बारी जाति का कहरा नृत्य विशेष लोकप्रिय है, याद रखिए, ठीक है। फिर आपका लोक नृत्य में अगला है दादर, ये आपका बघेलखंड में का है, खुशी के अवसर पर होता है। कोल कोटवार कहार जाति नृत्य, जाति का नृत्य। सुगा बघेलखंड का है, खरीफ की फसल पकने पर होता है। कलसा बघेलखंड का, बारात की आगमनी के समय होता है, सिर पर कलश रखकर नृत्य करते हैं। कैमाली साजन सजनाई ये बघेलखंड में होता है, विवाह के अवसर पर, सवाल जवाब शैली है। राई लोक नृत्य का बघेलखंड में, पुत्र जन्म पर पुरुष की स्त्री वेश में नृत्य करते हैं, पुरुष ही स्त्री वेश में नृत्य करते हैं। मटकी ये मालवा का है, विभिन्न अवसर पर होता है, प्रारंभ में एक महिला नृत्य करती है जिसे झीला कहते हैं। आड़ा खड़ा रजवाड़ी नृत्य ये मालवा का है, किसी भी अवसर पर होता है, विवाह के अवसर पर मंडप के नीचे किया जाता है। पतंग नाच ये आपका मालवा में, गरबा ये भी आपका मालवा में, नवरात्रि के समय महिला परक नृत्य, गरबी मालवा के में, पुरुष परक नृत्य। कहरावा ये मालवा में, सगाई विवाह मांगलिक अवसर पर होता है, स्त्री परक लोक नृत्य। झाला फूलपाती ये भी मालवा का है, गणगौर कजली गीत कजली तीज के अवसर पर लोक नृत्य किया जाता है, स्त्री परक है। टूटिया नकटोरा ये मालवा का है, विवाह के अवसर पर होता है, स्त्री परक स्वांग नृत्य, ठीक। फिर आपका फोंदी ये मालवा का है, धार्मिक सामाजिक अवसर पर होता है, किशोरियों का नृत्य, फुगड़ी या फर फुंदी खेल है। गड़गौर ये निवाड़ का है आपका, गड़गौर उत्सव पर होता है। महिला एवं पुरुष रनुवाई एवं धारणी ये सूर्यदेव रथ को सर पर रखकर नृत्य करते हैं। आड़ा खड़ा ये भी आपका निवाड़ का है, जन्म मुंडन विवाह के अवसर पर स्त्री परक लोक नृत्य है। काठी निवाड़ का है। देव प्रबोधिनी एकादशी से महाशिवरात्रि तक मात पूजक नृत्य पुरुष परक है। डंडा निवाड़ का है, चैत बैसाख में गणगौर के अवसर पर कृषक डंडा नाच करते हैं, पुरुष परक नृत्य। मांडलिया निवाड़ का है, विवाह या त्योहार के अवसर पर होता है। कांसे की थाली पर तीव्र स्वर में महिला परक लोक नृत्य। फेफारिया निवाड़ में होता है, विवाह के अवसर पर। फिफारिया वाद्य यंत्र का प्रयोग जिसकी आवाज सहनाई से मिलती जुलती है, ठीक है। फिर आपके जनजाति लोक नृत्य, क्या जनजाति लोक नृत्य। कर्मा मंडला क्षेत्र से, कर्मा नृत्य गीत कर्म देवता को रिझाने के लिए विजयदशमी से शुरू होकर वर्षा के आगमन तक होते हैं। मंडला के बेगा और गोंडों का प्रमुख नृत्य वाद्य यंत्र मांदर है, ठीक है। फिर दशहरा या ददरिया, बैगा आदिवासियों के त्यौहार दशहरा और ददरिया क्रमशः सामाजिक व्यवहार की कलात्मक और प्रेम संबंधों की भावना प्रधान अभिव्यक्ति है। ददरिया मंडला का प्रमुख नृत्य है। फिर चटकोरा नृत्य कोरकू आदिवासी का नृत्य है, निवाड़ में प्रचलित है। रीना नृत्य बेगा तथा गौड़ स्त्रियों द्वारा दीपावली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य। बलमा नृत्य बेगा जनजाति में प्रेम प्रसंग पर आधारित है। गोचो नृत्य
गोंड जनजाति द्वारा किया जाता है। बार नृत्य ये आपका कंबर आदिवासियों का नृत्य है। चिटकोरा देख ही लिया। अच्छा लहंगी नृत्य या का कंजर बंजारों एवं सहरिया लोगों का नृत्य है। परधोनी नृत्य ये विवाह अवसर पर बेगा आदिवासियों द्वारा बारात की आगमनी के समय किया जाता है। बरेदी नृत्य ये ग्वाला और गुर्जर जातियों के द्वारा किया जाता है। भगोरिया संपूर्ण भील क्षेत्र में मनाया जाने वाला भगोरिया होलिका दहन से 7 दिन पूर्व प्रारंभ होता है। झाबुआ का भगोरिया विशेष आकर्षण का केंद्र है। भगोरिया में 3 मुख्य दिन होते हैं। प्रथम दिन गुलालिया हाट, दूसरा भगोरिया हाट, भगोरा भी कहते हैं इसे, देवता की पूजा की जाती है इस समय, और तीसरे दिन मेला वीरान हो जाता है जिसे उजड़िया कहा जाता है। फिर आपका अगला जनजातीय लोक नृत्य दुलदुल घोड़ी। दुलदुल घोड़ी राजस्थान का मूल नृत्य है। ग्वालियर गुना शिवपुरी में ढोल नगरिया झीका तथा मशक वाद्य यंत्र पर होने पर वाला नृत्य ठीक है। नृत्य भारिया भड़म सेतम नृत्य। भारिया निवासियों का यह नृत्य समूह है जिसमें अनेक नृत्य किए जाते हैं। सेतम नृत्य महिलाओं करती हैं। फिर है सरगुल नृत्य। उराव जनजाति द्वारा सरई वृक्ष जिसके में उस उनके देवता निवास करते हैं कि चारों ओर चैत मास पूर्णिमा को किया जाता है। फिर आपका वांस गीत। बांस गीत यह मूलतः एक गाथा गायन है। इसमें मोटे बांस के लगभग 1 मीटर लंबे वाद्य यंत्र को बजाया जाता है। इसी कारण इसे वांस गीत कहा जाता है। फिर रावत जाति के लोग गाते हैं इसे। खम्ब स्वांग कोरकू जनजाति का नृत्य जिसे दिवाली के अवसर पर मेघनाथ स्तंभ के पास किया जाता है। फिर आपका सुबा नृत्य बेगा जनजाति द्वारा। कानरा नृत्य मध्य भारत एवं बुंदेलखंड में धोबी जाति के द्वारा किया जाता है। कहरवा नृत्य गोंड जनजाति द्वारा विवाह एवं मरण संस्कार में किया जाने वाला ये नृत्य है ठीक। करो कहरवा। फिर है आपके लोकनाट। क्या है लोकनाट? ये आपके लोकनाट्य हो गए जिस क्षेत्र से संबंधित हैं या जनजातीय समूह से उसके बारे में हो गए, इनकी विशेषताएं हो गई। अखाड़ा ये आपका बुंदेलखंड में होता है। विजयदशमी के अवसर पर शारीरिक कर्तव्य व्यायाम और शस्त्र संचालन की परंपरा है। बुंदेली स्वांग ये आपका बुंदेलखंड में। फसल कटने शादी एवं जन्मोत्सव पर्गे एवं अभिनय दोनों होते हैं। फिर नौटंकी आपका बुंदेलखंड में होता है। प्रमुख पात्र सूत्रधार होता है जिसे रंगा भी कहते हैं। राई स्वांग बुंदेलखंड। अभिनय तथा राई नृत्य दोनों आयोजित होते हैं। छाहुर ये बघेलखंड में है। छाहुर कहाँ का है? लोकनाट बघेलखंड। दीपावली से गोपाष्टमी तक अहीर तेली कुम्हार जाति द्वारा मनाया जाता है। पुरुष ही स्त्री की भूमिका निभाते हैं। मनसुखा बघेलखंड यह रास का बघेली रूपांतरण है। हिंगोला बघेलखंड। मंचर हित सरल नाट रूप है। जिंदवा बहलोल बघेलखंड का है। बसी के दिन विवाह के अवसर पर आयोजन महिला नाट्य। लकड़बगा बघेलखंड विवाह के बाद मनुष्य एवं पशु के हार्दिक युग का अभिनय। रास बघेलखंड। कृष्ण लीला गम्मत निवाड़ नवरात्रि होली गौर 3 अवसर पर होता है। काठी निवाड़ में देव प्रबोधिनी एकादशी से महाशिवरात्रि तक। माच मालवा माच का जन्म स्थान उज्जैन माना जाता है। कलाकार सिद्धेश्वर सेन है इसके ठीक। फिर है आपका खंग। खम्ब स्वांग एक कोरकू जनजाति द्वारा नवरात्रि से देव प्रबोधिनी एकादशी तक रावण के पुत्र मेघनाथ की पूजा की जाती है इसमें। फिर भवाई झाबुआ के आसपास मूलतः गुजरात में आरंभ होने से पूर्व गणपति माँ अम्बा की पूजा की जाती है। कर्मा नृत्य
करवा लोक नाट्य आपका वेगा जनजाति से संबंधित, दशहरा से वर्षा ऋतु तक नृत्य एवं गायन दोनों, पांडवानी ये आपका कलाकार, इसके कलाकार तेजन भाई, ऋतु वर्मा, झाड़ू देवांगन, ठीक है। फिर है आपके मध्य प्रदेश की चित्रकला, मध्य प्रदेश की लोक चित्रकला, लोक चित्रकला हो गई, ये आपके क्षेत्रांचल होगा जहाँ से संबंधित, और मुख्य विशेषता है इसके अवसर, मांडना ये मालवा निवाड़ भूमि अलंकरण के रूप में मांडना को विशेष रूप से दीपावली के समय घर आंगन में बनाया जाता है। फिर दिवासा ये आपका मालवा क्षेत्र से संबंधित है, हरियाली अमावस्या पर बनाया जाता है। चित्तावन ये मालवा का है, विवाह के समय घर की मुख्य दीवार पर बनाया जाने वाला भित्ति चित्र है। सुरेती ये बुंदेलखंड का है, दीपावली में लक्ष्मी पूजा के समय बनाया जाने वाला भित्ति चित्र है। संजापुली ये संपूर्ण मध्य प्रदेश में होता है, कुवार मास में कुंवारी लड़कियों द्वारा बनाया जाने वाला भित्ति चित्र है। मामुलिया बुंदेलखंड का है, नवरात्रि में गोबर से कुंवारी कन्याओं द्वारा बनाया जाने वाला भित्ति चित्र है। मूर्ति ये भी बुंदेलखंड से संबंधित है, विवाह के समय मुख्य दरवाजे पे पुत्री पुत्री का भित्ति चित्र बनाया जाता है। फिर आपका नोरता नवरत बुंदेलखंड, नवरात्रि में मिट्टी गेरू हल्दी से कुंवारी कन्याओं द्वारा बनाया जाने वाला भित्ति चित्र है। फिर बरायन या दहेंगरा अग्रोह रोहन ये बुंदेलखंड बघेलखंड का है, वधू मंडप में विवाह के अवसर पर बनाया जाता है। मुरडला मोर मुरेला ये बुंदेलखंड बघेलखंड का है, दीवारों पर विभिन्न रंग से मोर के भीते चित्र बनाए जाते हैं। जिरौती निवाड़ हरियाली अमावस्या को भीति चित्र बनाया जाता है, ठीक है। फिर है जिरौती ये आपका निवाड़ का है, हरियाली अमावस्या को भीति चित्र बनाए जाते हैं। थापा निवाड़ शैली सप्तमी पर हाथ का थापा लगाया जाता है। पगल्या आपका निवाड़ से संबंधित है, पहले शिशु जन्म पर शुभ संदेश का रेखांकन किया जाता है, ठीक। फिर है ईरत ये भी आपका निवाड़ से संबंधित है, विवाह में कुल देवी का भित्ति चित्र बनाकर पूजा की जाती है। कंचाली भरना ये आपका निवाड़ का है, विवाह के अवसर पर दूल्हा दुल्हन के मस्तक पर कंचाली भरी होती है। खोपड़ी पूजन ये आपका निवाड़ का है, देव प्रबोधिनी 11 को खोपड़ी पूजन किया जाता है। कोहबर ये भी आपका बघेलखंड का है, विवाहिक अनुष्ठानिक भित्ति चित्र है। छठी चित्र बघेलखंड, शिशु जन्म के छठवें दिन छठी माता का गेरू से भित्ति चित्र बनाया जाता है। तिलंगा ये आपका बघेलखंड का है, कोयले में तिली के तेल को मिलाकर तिलंगा का भित्ति चित्र बनाया जाता है। फिर है नेरुआ नमे ये बघेलखंड का है, भादव माह की नवमी को सुहागिन महिलाओं द्वारा पारंपरिक भित्ति चित्र बनाकर पूजा करती हैं इसकी, ठीक है। फिर है आपका मोर इला ये बघेलखंड का है, गीली मिट्टी से मोरों की जोड़ी की आकृतियां बनाई जाती हैं। अब बात करते हैं लोक शिल्प कला के बारे में, लोक शिल्प कला के बारे में, ठीक है। ये लोक शिल्प कला हो गई, इस क्षेत्र हो गए आपके मुख्य विशेषताएं इसके बारे में। पिथौरा भीति चित्र झाबुआ का अनुष्ठानिक चित्रकर्म है, इसे लिखने वाला लिखिंद्रा कहलाता है। घोड़ों का चित्रांकन तथा काजल रानी की कथा पूरे चित्र में चित्रित रहती है। प्रमुख चित्रकार हैं इसके पेमा फाल्या, प्रमुख चित्रकार कौन है इससे संबंधित पेमा फाल्या। छिप्पा शिल्प कुछी मानावर बदनावर उज्जैन, उज्जैन का छिपाल शिल्प भैरूगढ़ के नाम से विख्यात है, इसके कलाकार इस्माइल सुलेमान। गुड़िया शिल्प कला ग्वालियर से संबंधित है, इसके कलाकार बातुबाई गुड़िया शिल्प कला। मिट्टी शिल्प झाबुआ मंडला बैतूल में, काष्ठ शिल्प ये आपका कोरकू जनजाति द्वारा, कोरकू के मृतक स्तंभ मंडो भीलों के दीवान काष्ठ कला के श्रेष्ठ नमूने हैं। बांस शिल्प आपका बालाघाट, महेश्वर की साड़ियाँ महेश्वर,
इसका श्रेय रानी अहिल्याबाई को जाता है। चंदेरी साड़ियाँ चंदेरी, खरात कला इस शिवपुर रीवा बुधनी घाट मुरैना। खरात पर लकड़ी को सुडोल रूप दिया जाता है। कंघी कला उज्जैन रतलाम नीमच, कंघी बनाने का श्रेय बंजारा जनजाति को जाता है। लाख शिल्प उज्जैन इंदौर रतलाम मंदसौर महेश्वर, लाख का काम करने वाली जाति को लखार कहते हैं। राजेंद्र लखारा लाख शिल्पकार हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण मेले जो मध्य प्रदेश में प्रमुख मेले हैं उनके बारे में। ये मेले के नाम हो गए आपके, इस समय अवधि हो गई और स्थान जहाँ होते हैं। बाबा गरीबनाथ तो चैत माह में यानी कि मार्च अप्रैल में होता है। अवंतीपुर बड़ोरिया आगर में होता है। नागाजी अग्याहन माह में अगहन या नवंबर दिसंबर में पोरसा गांव मुरैना में होता है। बरमान ये आपका पोष माह में मकर संक्रांति से 13 दिन तक चलता है जनवरी में। करेली तहसील नरसिंहपुर में होता है। कुंडेश्वर पितिवत शिवरात्रि मकर संक्रांति व वसंत पंचमी पर शिव मंदिर है यहाँ टीकमगढ़ में होता है। तेजाजी भाद्र माह में अगस्त दिसंबर में भामावत गांव गुना में होता है। सिंगाजी कुंवार माह में एक सप्ताह का एक मेला है अगस्त सितंबर में। पिपल्या गांव खरगोन पश्चिमी नेवाड़ में होता है। जागेश्वरी का मेला ये आपका चैत माह में होता है चंदेरी गुना में। सिंगस्त 12 वर्षों में एक बार होता है उज्जैन में। हीरा भूमिया ये भाद्र माह में अलग अलग तिथियों में ग्वालियर गुना व आसपास के गांव में होता है। काना बाबा शिवरात्रि व गुरु पूर्णिमा को सुडालपुर होशंगाबाद में होता है। ठीक है, बड़ोनी शिवरात्रि व गुरु पूर्णिमा पर बड़ोनी दतिया में होता है। महामृत्युंजय बसंत पंचमी और शिवरात्रि को आपका रीवा में। ठीक है, सनकुआ एक कार्तिक पूर्णिमा से 15 दिन तक सेवड़ा दतिया में होता है। रामजी बाबा कार्तिक माह का 7 दिवसीय मेला है होशंगाबाद में होता है। ठीक है, आगे है राम जी हो गए आपका कालू महाराज। कौन सा कालू महाराज? ये होता है आपका कालू जी महाराज। ये होता है पिपल्या खरगोन पश्चिमी नेवाड़ में। ठीक है, अमरकंटक मेला ये आपका होता है शिवरात्रि पर अमरकंटक शहडोल में। जल बिहारी अक्टूबर माह में 10 दिवसीय मेला है छतरपुर में होता है। कहाँ होता है जल बिहारी? छतरपुर में। सोनागिरी चैत में एकम से पंचम तक सोनगिरी दतिया में होता है। शारदा माँ ये भी मेहर सतना में होता है। माघ भोगरा आपका शिवरात्रि पर 15 दिन तक भोराथन सिवनी में होता है। रामलीला माघ माह में जनवरी फरवरी में भांडे दतिया में होती है। राउतपुरा आपका लहार भिंड में होता है। रतनगढ़ दीपावली की दोज के दिन ये रतनगढ़ दतिया में होता है। चांदी देवी प्रत्येक रविवार को होता है घोगरा गांव सीधी में। डनान भगवान प्रत्येक रविवार को होता है उन्नाव दतिया में। ठीक है, पीर बोधान ये आपका भाद माह में 1 दिवसीय है अगस्त सितंबर में सांवरा गांव शिवपुरी में होता है। धमोनी उर्स बाबा मस्तान साहेवाली दरगाह का मेला है अप्रैल मई में होता है 15 दिन तक धमोनी सागर में। बाबा साहबुद्दीन औलिया का उर्स फरवरी में होता है नीमच में। ठीक है, फिर आपका बरमान का मेला ये आपका मकर संक्रांति पर 13 दिवसीय है गडरवारा नरसिंहपुर में होता है। मंधाता का मेला ये आपका मंधाता पूर्वी नेवाड़ में होता है। ठीक है, फिर आपका कार्तिक का मेला आपका उज्जैन में होता है। ठीक है, बलदाऊ जी का मेला आपका पन्ना में होता है। त्रिवेणी मेला आपका रतलाम में होता है। शहीद मेला आपका सनावद में होता है। कालका मंदिर का मेला ये आपका धार में होता है। सिद्धेश्वर मंदिर का मेला आपका शिवपुरी में होता है। चामुंडा माता मेला देवास में और नवग्रह मेला आपका खरगोन में होता है। ठीक है, ये थे आपके प्रमुख मेला। अब बात करते हैं प्रमुख के पर्व एवं उत्सव। ये पर्व उत्सव हो गए, ये क्षेत्र हो गए। गढ़गौर आपका मालवा अंचल से, संजा व मामूलिया बुंदेलखंड, भाई दोज आपका संपूर्ण मध्य प्रदेश में, रसनवा सॉरी मंडला जिले में बेगा जनजाति द्वारा,
मेघनाथ एमलारू काज एक गौण बहुल क्षेत्र में, हरेली या हरेटी मंडला एवं मालवा क्षेत्र में, मालवा में इसे हरिया गोदा कहते हैं, गंगा दशमी या गंगा दशहरा संपूर्ण मध्य प्रदेश, गोवर्धन पूजा संपूर्ण मध्य प्रदेश, नवात या नव नव या नवा नव ये बुंदेलखंड में, कई जगह इसे छोटी दीपावली भी कहते हैं, गढ़ल्ला ये आपका संपूर्ण मध्य प्रदेश में, सुआरा ये बुंदेलखंड, नेजा मालवाखंड, हरेली मालवा एवं बुंदेलखंड दोनों में, भगोरिया झाबुआ धार में भील जनजाति द्वारा, रत्रवा ये आपका मंडला क्षेत्र में वेगा आदिवासियों द्वारा। ठीक है, फिर हैं आपके कुछ सांस्कृतिक समारोह, कई बार पूछ लेते हैं डायरेक्ट इससे, क्या पूछते हैं कि कालिदास समारोह कहाँ होता है, तो आपको बता देना है उज्जैन, खजुराहो नृत्य समारोह ये खजुराहो में होता है, तानसेन समारोह आपका ग्वालियर में होता है, मालवा उत्सव इंदौर उज्जैन मांडू, मालवा उत्सव इंदौर उज्जैन मांडू। ठीक, उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह मेहर सतना एवं विभिन्न शहरों में, लेकिन मुख्यतः ये मेहर सतना में, अमीर खां संगीत समारोह आपका इंदौर है, ध्रुपद समारोह आपका भोपाल, मध्य प्रदेश समारोह दिल्ली, याद रखिए इसको, क्या रखना है, मध्य प्रदेश समारोह दिल्ली में होता है ना कि मध्य प्रदेश में। ठीक है, फिर ओरछा उत्सव ये आपका पहले टीकमगढ़ में होता था, क्योंकि अब निवाड़ी अलग हो गया तो अब इसमें निवाड़ी में आ गया, ये जिला ओरछा आपका निवाड़ी में आ गया तो निवाड़ी। ठीक है, पद्माकर समारोह ये सागर में, सुभद्रा कुमारी चौहान जबलपुर, माखनलाल चतुर्वेदी समारोह खंडवा, निवाड़ उत्सव खंडवा खरगोन बड़वानी में, दुर्लभ वाद विनोद भोपाल, बाल कृष्ण शर्मा नवीन समारोह शाजापुर, टेपा समारोह उज्जैन, लोक रंग समारोह भोपाल, फिर है आपका लोक रंग हो ही गया भोपाल, गजानन माधव मुक्तिबोध समारोह भिंड, भवभूति समारोह ग्वालियर, राजशेखर समारोह भोपाल, कुमार गंधर्व समारोह देवास, भोज समारोह धार, केशव जयंती समारोह ओरछा, गजरथ महोत्सव गुना, तुलसी लोकनृत्य तुलसी उत्सव चित्रकूट, नर्मदा महोत्सव भेड़ाघाट जबलपुर। ठीक है, कला समारोह यह समारोह मध्य प्रदेश में लगभग 2 दशक से प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, इसमें शास्त्रीय संगीत शास्त्रीय नृत्य रंगमंच और चित्रकला एवं काठ काव्य पाठ आदि कार्यक्रम, मध्य पर्व मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 1 नवंबर 1999 से भोपाल में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की बोलियों के बारे में, ये बोलियाँ हो गई, ये जिले हो गए और ये आपके विशेषण के तत्व हो गए, बुंदेलखंडी तो याद रखना, अशोकनगर दतिया गुना शिवपुरी मुरैना सागर, छपतरपुर दमोह पन्ना विदिशा, रायसेन होशंगाबाद नरसिंहपुर सिवनी छिंदवाड़ा बालाघाट आदि में बोली जाती है। बुंदेलखंडी सोर सैनी अपभ्रंश से जन्मी पश्चिमी हिंदी की एक प्रमुख बोली है, जिसका नामकरण जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। ठीक, निवाड़ी बुरहानपुर खंडवा खरगोन धार देवास बड़वानी झाबुआ इंदौर में बोली जाती है। निवाड़ी बोली सोर सैनी अपभ्रंश से विकसित हुई, डॉक्टर गेयरसन ने इसे दक्षिणी राजस्थानी कहा है, दक्षिण राजस्थानी। ठीक है, बघेलखंडी आपका रीवा सतना शहडोल उमरिया में बोली जाती है। बघेली बोली अर्धमागधी अपभ्रंश से जन्मी पूर्वी हिंदी की एक महत्वपूर्ण बोली है। मालवी सेहोर नीमच रतलाम मंदसौर शाजापुर आगर झाबुआ उज्जैन देवास इंदौर में बोली जाती है। भाषाविदों ने मालवी को अपभ्रंश से निकली होने के कारण इसका नाम मूलतः इसका निकली होने के कारण इसका मूल संस्कृत को माना है। ठीक है, ब्रजभाषा भिंड मुरैना ग्वालियर में इसका जन्म सोर सैनी के अपभ्रंश से हुआ है। कोरकू बैतूल होशंगाबाद छिंदवाड़ा खरगोन में बोली जाती है, भारत में से नॉर्थ मुंडा भाषा की श्रेणी में माना जाता है। बेली आपकी रतलाम धार झाबुआ खंड
खरगोन अलीराजपुर में बोली जाती है। व्हीली का प्रयोग सर्वप्रथम 1835 में पादरी थॉमसन ने किया था। गोंडी, बैतूल, छिदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडरा, डिंडोरी होशंगाबाद में बोली जाती है। बात कर लेते हैं आदिवासी देवताओं के बारे में। किसके? आदिवासी देवताओं के बारे में, ठीक है। ये जनजाति हो गए, ये देवता इनके, भील जनजाति, शीतला, अंबिका, पाठर, विराह, माता की पूजा, ठीक है। वेगा जनजाति के देवताओं की बात करें तो बूढ़ा देव, धरती माता, घनश्याम, ठाकुर देव, नारायण देव, बागदेव, भीमसेन, पनिहारी, रातमाई, होलरा, नर्मदा माई, गोंड, नारायण देव, गराहा, मोरठरकी, दूलापेन, बरिया नैन, होली राय, खैर माता, सूरज देव, बादेशन, अगरिया, लोहासुर आपका, भरिया, पूड़ा देव, दूला देव, बरुआ, नागदेव, ठीक है। यहाँ आपके भरिया, भारिया जनजाति के प्रमुख देवता। तो ये था आपका सांस्कृतिक परिदृश्य, 21वें चैप्टर हो गया अपना। आगे हम लोग बात करेंगे चित्रकार एवं रंगकर्मी के बारे में, ठीक है, याद रखिए।